हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक में हमने जो नॉट सीखी थी उस नॉट का नाम था शीट बेल्ट। तो चलो आज करते हैं हम शीट बेल्ट की प्रैक्टिस। शीट बेल्ट की नॉट की प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ इसके यूज क्या है, ये कब यूज होती है। दो अनइक्वल थिकनेस के रोप को टाई करने के लिए ये नॉट बनती है। दो अनइक्वल थिकनेस के रोप को टाई करने के लिए ये नॉट लगती है। तो मेरे पास यहाँ पे दो अनइक्वल थिकनेस के रोप है, तो चलो जान लेते हैं हम किस तरह से इसको टाई करना है। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और उसके अंदर से इस नॉट को डालना है, यानी छोटे रोप को डालना है। रोप जैसे ही आप डालोगे इस तरह से नीचे छोड़ दो, इसको पीछे से उठा के ऊपर से आगे डालो। आगे डालने के बाद जो हिस्सा आया है उस हिस्से के अंदर इस नॉट को डालना है और उसको खींचना है, यानी इस तरह से। तो ये हो जाएगी हमारी शीट बेल्ट नॉट। तो चलो मैं वापस एक बार दिखाता हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले मोटे रोप का हमें लूप बना के लेना है, फिर जो छोटा रोप है वो नीचे से ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद उसको मैं आगे की तरफ छोड़ दूंगा, फिर उसको उठा के नीचे से वापस ऊपर लूंगा और जो हिस्सा ऊपर आया है उस हिस्से के अंदर से डाल के उसको मैं इस तरह से खींचूंगा। इस तरह से हमें खींचना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो ये नॉट होगी, जो छोटा रोप की नॉट होगी, वो मराठी में 4 की फिगर दिखेंगे आपको, और उसको हमें खींचना है। और जैसे ही ये टाइट होगी तो इस नॉट का नाम है शीट बेल्ट। तो आपने इस चीज की हमने प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये नॉट लगाने आती होगी। जो आज हम नॉट सीखने वाले हैं उस नॉट का नाम है शिपशैंक। ये जो शिपशैंक नॉट है उसका यूज भी कुछ अलग है। शिपशैंक नॉट का जो यूज होता है वो दो टाइप के यूजेस है उसके, किस लिए और किस वजह से होते वो मैं बताता हूँ। जब हमारे पास लंबी रस्सी होती है और उस रस्सी को, यानी उस लंबे रोप को हमें जब छोटा करना होता है तो हमें शिपशैंक नॉट यूज करनी है। यानी क्या करना है, जब हमारे पास लंबी रस्सी होती है, लंबा रोप होता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम कट कर देते हैं। तो वो कट करने से अच्छा है अगर हम वहाँ पे शिपशैंक नॉट लगा देंगे तो वो रोप अपने आप जितना हमें छोटा चाहिए उतना हम छोटा कर सकते हैं बिना रोप कट किए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें लंबे रोप की जरूरत पड़े तो वो नॉट छोड़ के हम लंबा रोप यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूज उसका ये है, सेकेंड यूज यानी जिस जगह पर रोप कमजोर हुआ है, तनाव के वजह से, बारिश के वजह से, धूप की वजह से, जहाँ पे रोप कमजोर हो जाती है, तो उस रोप को हम सपोर्ट देने के लिए ये शिपशैंक नॉट लगाते हैं। तो ये नॉट इस तरह से होती है वो पहले हम जान लेते हैं। हमारे इस नॉट का, यानी आज जो हम सीखने वाले उस नॉट का नाम है शिपशैंक नॉट। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये रोप रख जाता हूँ। शिपशैंक नॉट के लिए मेरे पास, मैंने अभी एक ही रोप लिया है। हमें पहले क्या करना है, इसको रोप को खोलना है। जैसे ही आप रोप को खोलोगे तो इस रोप को हमें फ्लोर पे इस तरह से माउंट करना, लगा देना है। यानी हमें क्या करना है, फ्लोर पे इस रोप का एस बनाना है इस तरह से। यानी हो गया हमारा ये एस रेडी। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रोप को एस के फिगर में हमें फ्लोर पे बिछा लेना है इस तरह से। ये है हमारे एस की फिगर, जो हम इंग्लिश में एस निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, इस एस को हम इस साइड्स में डाल के नीचे से ऊपर लेके इसको यहाँ पे हम लॉक कर देंगे इस तरह से। सेम यहाँ पे भी होगा, ऊपर से हमने रोप डाला है, उसके नीचे से लिया है, अंदर से निकाल के इसके अंदर डाल दिए। तो इस तरह से हमारी ये रोप यहाँ पे टाई होगी और ये हमारी रोप रेडी हो जाएगी। यानी ये जो नॉट है वो है
ship sank not, यानी मेरे पास जो लंबी रोप थी वो अभी शॉर्ट हो गई जो मुझे जितनी चाहिए थी। जैसे कि आप अगर जानते हो कि इसका दूसरा यूज है कि जहां पे रोप कमजोर होता है उसको हम सपोर्ट देने के लिए, अगर मानो मेरी रोप यहाँ पे कमजोर है तो ये जो दो हिस्से है रोप के, ये रोप के दो जो हिस्से हैं वो इस रोप को हम सपोर्ट करते हैं और ये नॉट यूज करते हैं, इस तरह से हमें ये नॉट यूज होती है। तो इस नॉट का नाम है शिपचा नॉट। तो वापस हम देखेंगे, चलो वापस हम इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो हमें हमारे रोप को एस के फिगर में यानी बिछा के लेना है। बिछा के लेने के बाद हमें जितनी छोटी करनी है और जितनी लंबी रखनी है उस हिसाब से हम हमारे नॉट को, हमारे रोप को सेट करके लेंगे। यानी हमें कितना लंबी रस्सी चाहिए और उसको कितनी छोटी करनी है उस हिसाब से, और जहाँ पे हमारा रोप कमज़ोर हुआ है उस हिसाब से हम उसको, उस एस को सेट करके लेंगे। जैसे ही हमारा ये एस सेट होगा तो हमें ये जो रनिंग पार्ट है वो रोप के ऊपर डालना है, इस तरह से। रोप के ऊपर डालने के बाद उसको रोप के नीचे से रोप के अंदर की तरफ लेना है और फिर उसको ये जो लूप बना है उस लूप के अंदर डाल के बाहर निकालना है। तो ये हो गया हमारे एक साइड की नॉट रेडी हो गई। सेकेंड हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे भी इसी तरह से करना है, ऊपर से डाल दिया उसको, फिर नीचे से इस तरह से खींचना है और उसको इसके अंदर डाल देना है। तो ये यहाँ पे जो नॉट रेडी हो जाएगी उस नॉट का नाम है शिपशैंक। तो यहाँ पे हमारी ये जो शिपशैंक नॉट है वो रेडी हो गई। जो ये बाहर से आए हुए दो रोप है वो एंड पार्ट है और एक रनिंग पार्ट है, और जो बीच वाला जो हिस्सा है जो हमें कमजोर रोप हो चुका है ये समझ के हमने यहाँ पे रखा है। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है कमजोर होता है, इसके वजह से हम ये दो साइड के रोप से हम इसको सपोर्ट करते हैं और ये नॉट हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा रोप टूटे ना, और रोप को जो दिया हुआ वजन है, टेंशन है यानी तनाव है वो बरकरार रहे और हमारी रोप की लाइफ और बढ़े। तो इसके लिए हम ये शिपशैंक नॉट यूज करते हैं। वन टाइम वापस एक बार हम इसको किस तरह से करना है, किस तरह से लगानी है वापस देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आप लोग बताओगे। यस वेरी गुड, सबसे पहले हमें करना है एस। तो मैंने यहाँ पे मेरे जगह के हिसाब से मैंने यहाँ पे एस बना के ले रहा हूँ। अब मैं छोटी और लगाऊंगा नॉट। यस मैंने यहाँ पे एस बना के लिया है जो इस तरह से है। अब इसको क्या करना है, तो ये जो ऊपर वाला यानी रेड वाला जो हिस्सा है, रेड वाला जो फेस है मैंने ऊपर से निकाला, इसको उठा के वापस उसको नीचे से लिया है और अंदर से बाहर किया, यानी यहाँ पे मैंने एक नॉट डाल दी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस नॉट का यहाँ पे जो फिगर हो रहा है वो मराठी और हिंदी में 4 की हो रही है। फिर इसको उठा के मैंने इस लूप में डाल के इसको आगे की तरफ मैंने खींच लिया है ताकि ये आगे टाइट हो। फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी वापस इस तरह से डाल दो, नीचे से खींच के हमें ऊपर से निकालना है इस तरह से, और इसके अंदर डाल देना है और इसको खींचना है जितना चाहिए हमें खींच सकते हो। और ये जो खींचने के बाद जो रस्सी तैयार होगी, ये हमें जितनी बड़ी थी उससे हमारी रोप अभी छोटी हो चुकी है और बीच वाला जो हिस्सा है जो कमज़ोर हो चुका है उसको हमने ये दोनों रोप से हमने क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो ये हमारी ये जो नॉट रेडी हो गई, इस नॉट का नाम है शिपशैंक नॉट। तो हम जानते थे इस नॉट के यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूज़ है, इसका यूज होता है हमें किस लिए इसका यूज़ होगा, तो इसका यूज़ होगा हमें रोप शॉर्ट करने के लिए, और दूसरा यूज होगा जहां पे हमारा रोप कमजोर हुआ है वहां पे उस रोप को सपोर्ट देने के लिए हम ये नॉट यूज करते हैं। तो अब हम सीखेंगे नई नॉट नए सेशन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए बाय।